पानीपत जेल में बंद गैंगस्टर ऋषि चुलकाना की हार्ट अटैक से रोहतक पीजीआई में मौत हो गई। कई आपराधिक मामलों में पानीपत जेल में बंद ऋषि उर्फ प्रदीप गैंगस्टर की कल सुबह सीने में दर्द हुआ, जिसे पुलिस ने पहले सिविल अस्पताल में ले जाया गया, उसके बाद उसे रोहतक पीजीआई में इलाज के लिए रेफर कर दिया। गैंगस्टर ऋषि अब पीजीआई के इमरजेंसी के गेट पर पहुंचा ही था, उसे फिर हार्ट अटैक आ गया, जिसकी जल्दी जल्दी अंदर ले जाया गया। कुछ देर में ही गैंगस्टर ऋषि ने दम तोड़ दिया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक बदमाश ऋषि चुलकाना ने गांव के ही दिनेश गैंग से आपराधिक जीवन की शुरुआत की थी। कुछ ही दिन में वह गैंग का शार्प शूटर बन गया था। उसने गांव के ही फूड एंड सप्लाई में इंस्पेक्टर रमेश की हत्या कर दी थी, जिसमें आरोपी को 5.5 साल की सजा सुनाई थी। गैंगस्टर ऋषि चुलकाना ने इस मामले में हाईकोर्ट से पैरोल ली थी और बाहर आते ही सोनीपत में एक व्यक्ति की हत्या का प्रयास किया था। रिकॉर्ड के मुताबिक ऋषि चुलकाना 10वीं तक पढ़ा है। आरोपी ने बीच में यूपी में डेयरी भी चलाई, लेकिन उसे अपराध की ही दुनिया में अपना नाम कमाना था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि गैंगस्टर ऋषि और प्रदीप चुलकाना पर हत्या, हत्या का प्रयास, लूटपाट, चोरी, डकैती, आर्म एक्ट समेत 22 मुकदमे दर्ज थे। अभी वह श्याम धाम में बाबा की हत्या के आरोप में जेल में बंद था। कल सुबह सीने में दर्द के बाद पानीपत सिविल अस्पताल लाया गया था। गैंगस्टर ऋषि चुलकाना को पुलिस सुरक्षा के बीच अस्पताल लाया गया था, लेकिन पीजीआई के गेट पर आए हार्ट अटैक से उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। गैंगस्टर ऋषि की पीजीआई रेफर मौत की सूचना पाकर पानीपत के सेक्टर 27 पुलिस थाना पीजीआई रोहतक पहुंची। रोहतक पीजीआई में गैंगस्टर ऋषि चुलकाना का पोस्टमार्टम होगा। पानीपत पुलिस ने पीजीआई पहुंच शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया। अब आज ही पोस्टमार्टम होगा। परमीत जी, कब सूचना मिली आपको? मेरे को जी करीब ये 3:30 बजे ही लग गई थी। क्या सूचना थी? जी भाई का अटैक आया, रोहतक ले जाने रहे, तो यहाँ पे यहाँ जी इतना हम पहुंचे, इतने तो पूरा लिया था जी। अच्छा, ये पानीपत जेल में बंद थे? हाँ जी, पानीपत। क्या मामला था? मामला तो जी झूठा था जी, नहीं लगा रखा, जमानत पाया था जी, दूसरी पार्टी ने झूठा मुकदमा कर रखा था जी। अभी कह रहे थे जब एम्बुलेंस मिली? हाँ जी, एम्बुलेंस तो मिली नहीं जी, उसमें ले आए थे नहीं, चारी कोड़ी गाड़ी में एम्बुलेंस मिली नहीं जी। सर, पुलिस को क्या सूचना मिली थी? पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे यहाँ ऋषिपाल पानीपत जेल में बंद था किसी मामले में, तो पुलिस को सूचना मिली कि ऋषिपाल की अटैक के कारण भाई पीजीआई रोहतक में डेथ हो गई है, जो सूचना पाकर हम कार्रवाई के लिए पीजीआई रोहतक पहुँचे। कितने मुकदमे दर्ज हैं सर? इसके बारे में मैं आपको स्पष्ट नहीं कर सकता। अच्छा, पीजीआई में आने के दौरान हुई? जी जी, पीजीआई में आने के बाद। अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अभी कार्रवाई कर रही है, पोस्टमार्टम करवाएगी पुलिस, अगली कार्रवाई में लगी हुई है। पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया सर? रखवा दिया सर।